हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट से रिलेटेड आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। डेली क्लासेस होती हैं एंड एनसीईआरटी के जितने भी पीडीएफ है सब कुछ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजती हूँ। जिसे नहीं मिला है तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर बीपीएससी तैयारी की एंड सीटेट की जितनी भी क्लासेस होती हैं। डेली क्लास की टाइमिंग पहले ही बता देती हूँ, 3 बजे हमारा बीपीएससी का होता है और 5 बजे हमारा सीटेट का होता है। तो आप पीडीएफ वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर लेना। बट ये वीडियो बनाना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जिसने भी सीटेट के फॉर्म नहीं भरे हैं तो डेट एक्सटेंड हो चुका है। कल ये ऑफिशियल नोटिस आई थी, मैं कल आपको नहीं बता पाई, आज बता रही हूँ कि 5 अप्रैल, आज हमारा 4 अप्रैल है, तो कल जो है इसकी लास्ट डेट है। जितने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि ये वाला जो सीटेट है आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। इसके बाद से सीटेट के पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, साथ में इसका पेपर भी एनटीए के द्वारा हो सकता है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा किसी को नहीं पता है। तो जो डेट एक्सटेंड हुई है आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और फॉर्म जरूर भरें। एक चीज़ और है, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स के मेल आए, इवन सीबीएसई को भी भेजा गया है। तो क्यों ऐसा, क्योंकि ना टेक्निकल इशू आ रहे थे, फॉर्म वगैरह भरने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो सीटेट ने एक नंबर भी जो है जारी किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8802580477। तो अगर आपका टेक्निकल इशू आ रहा है, आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट जरूर करना। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो ये इसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, साथ में डेट भी मे भी बढ़ा दिया जाए। क्योंकि डेट बढ़ाने का रीज़न यही है क्योंकि कुछ लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराया था कि फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए 2 के बजाय 5 अप्रैल हो गया है। दूसरा, आप सभी का जो क्वेरी आता है, अभी हम बात करने वाले हैं कि ये वीडियो बनाने का पर्पज क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि आखिर में सीटेट के बाद से वो किस किस रिक्रूटमेंट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना 6 to 8 के लिए सीटेट का, क्योंकि आपको पेपर 1 की तो बहुत सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, बट पेपर 2 की क्लासेस बहुत ही लिमिटेड मिलती है। ना तो इसका कोई कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ना ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो भी बहुत ही जो है हॉश वॉश में रहेगा, एकदम से कोई चैप्टर वाइज नहीं रहता है। मैथ साइंस और एसएसटी वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे हर साल जो है बहुत ही कम होता जा रहा है, ठीक है, लोग पास नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका विषय मैथ साइंस है या फिर एसएसटी है, आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी करने के बाद से आपको 2011 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस पेपर करने हैं। अब आप पूछोगे कि हमारे पास तो प्रीवियस पेपर है नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी हाल फिलहाल में मुझे पता चला है दिशा पब्लिकेशन की आप किताब ले सकते हैं। इनकी सारी किताबें जो है आपको, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर लेना। बायलिंगुअल है, मतलब हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनकी मैथ साइंस की किताब है, इसमें आपको 2011 से लेके 2023 तक के सारे सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें ये इस किताब में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चंस कर लिए, अब 150 क्वेश्चंस करने के बाद से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, तो यहाँ पर इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डिटेल में, आप देख सकते हैं, और बगल में यहाँ पर आंसर। तो ये आप इसे करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। अगर मान लीजिए आपका लैंग्वेज 1 जो है इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 हिंदी है, आप ये किताब ले सकते हो। और इसके अलावा ये किताब जो भी स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं ना, यूपी टेट, एच टेट, उसमें भी बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो मैथ साइंस के लिए किताब बेस्ट है, आप ये ले सकते हो, सॉल्व पेपर्स हैं और बायलिंगुअल है। और ये तो मैथ साइंस का हो गया, बाकी अगर मान लीजिए आपका विषय जो है सोशल साइंस है, एसएसटी है, देन इसके लिए भी वही है, सेम बायलिंगुअल है। 2011 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर हैं, सारे स्टेट में ये आपको यूजफुल है। एंड क्वेश्चन के साथ आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल, जैसे आपने टेस्ट कंप्लीट किया आंसर मिला है, उसके बाद से आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप ये किताब चेकआउट कर सकते हो। और मान लीजिए किसी का विषय, किसी को सीटेट का पेपर 1 क्लियर करना है, तो वो भी इनकी किताबें अवेलेबल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो दिशा पब्लिकेशन की ये सारी किताबें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब सीटेट का एग्जाम है आपका जुलाई में, बहुत सारे लोगों ने डिजी लॉकर से अपने सर्टिफिकेट मार्कशीट भी डाउनलोड कर लिए होंगे, उसके बावजूद भी किसी का 1 नहीं क्लियर है, तो किसी का 2 नहीं क्लियर है, तो किसी का दोनों ही पास नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है। डेली क्लासेस होती हैं एनसीईआरटी की, हम लोग डिटेल में जो है एनसीईआरटी कर रहे हैं चैप्टर वाइज, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये तो चलो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आपको फॉर्म वगैरह भरना है जो प्रॉब्लम है, बट जुलाई के बाद से क्या सच में कोई भर्ती देखने को मिलेगी या नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर में अभी आपने देखा होगा यूपी का ही कि आचार संहिता के बाद से आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 1 लाख भर्ती देखने को मिलेगी। बट इसको भी बाद में स्टूडेंट्स के ही द्वारा कह दिया गया कि ये फर्जी न्यूज़ है, क्योंकि ये हर साल चुनाव से पहले आता है, चुनाव के बाद खत्म हो जाता है। तो आज न्यूज़पेपर में भी निकला है कि प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए जो है बहुत सारे पोस्ट जो है पीआरटी के खाली हुए हैं। आपने बीएड डीएलएड का जो देख ही रहे हो, हर दिन कुछ ना कुछ बीएड डीएलएड की भी इन्फॉर्मेशन आती है कि कहीं से किसी को निकाल दिया गया है।
तो यहाँ पर जो है बीपीएससी तैयारी जुलाई के बाद से आपको, एक तो सबसे पहले बीपीएससी तैयारी 3, अब 3 वाले में तो वही शामिल हो सकते हैं जो ऑलरेडी पास हैं, तो जुलाई वालों के लिए 4 है। और जो के पाठक सर हैं उन्होंने तो 5 की भी घोषणा कर दी है, ठीक है, बहुत पहले ही, अभी 3 हुआ ही नहीं था उसके पहले ही उन्होंने बोल दिया 4 आएगा, 4 हुआ भी नहीं है ना तो 3 हुआ है, उसके पहले ही उन्होंने बोल दिया कि 5 भी आने वाला है। तो जितने भी बीएड डीएलएड हैं आप अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसीज है जो कि 100% कन्फर्म है, TRE3 एंड TRE4 होना एकदम तय है, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये भी आवासीय विद्यालय है, जैसे KVS होते हैं NVS होता है उसी की तरीके से ये भी भर्तियां कराई जाती हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसके, इसके बारे में इसका एक ऑलरेडी जो है हो चुकी है भर्ती, लोगों की जॉब लग चुकी है, ये भी भर्ती आएगी लेकिन आचार संहिता के बाद, मतलब चुनाव के बाद। दूसरी है नवोदय, नवोदय की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आनी स्टार्ट हो चुकी है, अभी आपने देखा मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया है पुणे रीजन की वैकेंसीज आई हुई है, उसके बाद से आपको और भी बहुत सारे रीजंस हैं उसकी भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो पहले तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती हैं इनकी, बाद में इनकी परमानेंट आती है, मतलब ये साल खत्म होते होते आपको जो है इसकी परमानेंट वैकेंसीज, साथ में KVS की भी परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिलेगी। KVS की वैकेंसीज देखिए पहले जो है आती थी, रेगुलरली आती थी, मतलब 1 साल 1.5 साल पे आती थी, जब से कोविड आ गया ना तब से इसकी वैकेंसीज थोड़ी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है केंद्रीय विद्यालय का, ठीक है, ये नहीं है कि चुनाव होगा क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज होती हैं, तो ये भी अब आपको देखने को मिलेगा 2-2 साल पे, 1-1.5 साल पे ये भी वैकेंसीज आने की उम्मीद है केंद्रीय विद्यालय की। सबसे लास्ट में मैंने लिखा हुआ है सुपर टेट, देखो सुपर टेट तो एक ऐसी वैकेंसी है जो बस सपने में ही दिखता है, सपने में ही आता है और सपने में ही भर्ती कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जो न्यूज़ मीडिया है, जो न्यूज़पेपर है वो बस फर्जी न्यूज़ चलाते हैं कि 1 लाख वैकेंसीज आने वाली है, चुनाव के बाद इस पार्टी ने घोषणा कर दी है कि हम इतनी भर्तियां देंगे, पर ऐसा धरातल पर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो रही बात सुपर टेट की वैकेंसीज का, तो अभी इसमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो आचार संहिता है खत्म होने के बाद आपका TGT होगा जिसका ऑलरेडी फॉर्म भरा जा चुका है, देन आपका PGT होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो एग्जाम्स हैं वो होंगे, उसके बाद से आपका UPTET होगा और हर बार की तरह UPTET पे ही आके ये खत्म हो जाएगा। तो सुपर टेट के बारे में तो कोई उम्मीद नहीं है, अब देखते हैं मे भी कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए तो आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज आप इतने में अपना जो है आजमा सकते हो, अब उसको चाहे मेहनत कह लो चाहे किस्मत कह लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का पॉइंट से नहीं हो पाता है, 1 नंबर से नहीं हो पाता है, बट एट द एंड उनको नौकरी मिल जाती है। तो आप BPSC TRE एकलव्य NVS KVS एंड DSSSB इतनी वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसी साल अगर आपने तैयारी करते रहे तो इसी साल आपको नौकरी 100% मिलेगी, गवर्नमेंट टीचर आप जरूर बनेंगे। तो फिलहाल के लिए इन सभी का बेस स्टार्ट होता है सीटेट से, क्योंकि अगर किसी का सीटेट पास नहीं है तो वो वैसे ही एग्जाम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपको इन सभी एग्जाम्स में सीटेट, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है, उसकी रिक्वायरमेंट है। पेपर 1 पास होगा तो PRT के टीचर बनोगे, पेपर 2 पास होगा तो जूनियर एंड TGT तक जा सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और लास्ट में बताना चाहूंगी कि 5 अप्रैल के पहले ही आज ही फॉर्म भर लो जिसने भी नहीं भरा है। बाकी मिलते हैं 3 बजे BPSC TRE 3 की क्लास है एंड 5 बजे सोशल साइंस की क्लास, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।